लेट हो रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, एक हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। तो देखिए फ्रेंड, रुद्र आ गया है और रुद्र का तबीयत कुछ खास अच्छा नहीं है, क्योंकि धूप में खूब दौड़ा है, कूदा है, खेला है, तो यहाँ इसका हरासमेंट निकल रहा है। तो इसका तबीयत अच्छा नहीं है, तो नानी यहाँ का हरासमेंट यहाँ आके निकल रहा है। अब और रुद्र पहली बार नानी के यहाँ गया था, इससे पहले कभी नहीं गया था नानी के यहाँ। समय ऐसा खेल दिखाया, इसको अकेले जाना पड़ा नानी घर, क्योंकि हम नहीं गए थे, मासी के साथ ही गया था। आप लोग सोचिएगा, इतना बड़ा हो गया और अभी तक नानी के यहाँ क्यों नहीं गया था? तो इसके पीछे एक रीजन था, ये इतना बड़ा हो गया और नानी के यहाँ क्यों नहीं गया था, तो वो रीजन तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि रुद्र इतना बड़ा हो गया और नानी के यहाँ क्यों नहीं गया था, क्या कारण था, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि रुद्र को नानी के यहाँ क्या क्या मिला है, वो दिखाऊंगी। चलिए दिखाते हैं कि रुद्र को नानी के यहाँ क्या क्या मिला है। पहले रुद्र से पूछती हूँ कि रुद्र को कैसा लगा नानी के यहाँ, मन लगा या नहीं मन लगा? मन लगा था रुद्र नानी के यहाँ, खूब मजा आया था। हम तो यहाँ वहाँ नहीं थे, फिर भी मन लगा था। याद आता था कि नहीं? नहीं याद आता। तो फ्रेंड, रुद्र को मेरा याद नहीं आता था, या अकेले ही खुश था। अब दिखाओ। ये देखिए फ्रेंड, रुद्र को क्या मिला था, दिखा लो। देखिए, रुद्र को एक कटोरा मिला है। इसमें दही था और साग था और थोड़ा सा मीठा डाला हुआ था एक कटोरा में। अब दूसरा दिखाओ। एक ग्लास मिला मम्मी। अरे एक ग्लास मिला है इसमें। हाँ बेटा, मैं लूट के बैग में रखूंगा, मैं अपने बैग में। अच्छा, अभी बैग में नहीं रखो, बाद में रखना, कल जाते वक्त रखना। ये फ्रेंड गिलास मिला है पानी पीने के लिए या दूध पीने के लिए, चाहे जो समझिए। ये है और ढेर सारा कपड़ा भी मिला था, लगता है पाँच या छः कपड़ा हो ही गया होगा। रुद्र को कपड़ा मिला है और एक ये लॉकेट मिला है। देखिए ओम का सेप है, तो ये लॉकेट मिला है एक। तो यही सब मिला है और मेरे लिए भी कुछ आया है।
साड़ी वगैरह है, सूट वगैरह है, आपके घर से कुछ कुछ सामान जो आता है वही आया है। तो फ्रेंड यही सब आया है और रुद्र को यही सब मिला है जो मैं दिखा। देखिए मेरा जितिया जो था टूट गया है फ्रेंड, तो मैं चैन डाली हूँ, मतलब धागा टूट गया है, शायद पसीना से गल गया होगा धागा, तो इसी वजह से मेरा जितिया टूट गया है। समय कब कैसा खेल दिखाता है किसी को पता नहीं होता है। हम लोग तो सोचे थे कि पूरा धूमधाम से जाएंगे वहाँ पे, पर समय का पहिया कब किधर घूम जाए किसी को पता नहीं होता है, तो रुद्र को अकेले ही जाना पड़ा। हम लोग को भी अच्छा तो नहीं लगा, पर क्या कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी रुद्र अकेले क्यों, मतलब इतना दिन से नानी के यहाँ क्यों नहीं गया था। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जरूर, ताकि उसमें आप लोगों को पता चला कि क्यों नहीं गया था। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ आज मैं थोड़ा नर्वस हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, इसी के साथ सभी को श्री शिवाय नमस्कार। बाय बाय टाटा गुड बाय।